क्लोज कर लिया जी सर जी। कितने लोगों को किस मामले में जमानत मिली है सर? कल तक जो है 33 बेल या पेटिशन लगी हुई थी और कुछ कल डिसाइड हुई हैं, कुछ आज डिसाइड हुई हैं और कुछ अगले दिनों में डिसाइड होंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 26 पीपल जो हैं उनको बेल मिल चुकी है कल और आज कुछ और लगेंगी तो मेरे ख्याल से सभी को मिलेगी। सर आपको क्या लगता है कि पुलिस इस मामले को किस तरह से और अच्छे से हैंडल कर सकती थी? पुलिस ने वैसे तो काफ़ी अच्छा इसको इन्वेस्टिगेट किया, बट कुछ जो एरियाज हैं जहाँ थोड़ा ध्यान रख सकते थे वो ये था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं साथ जा रहे हैं तो इस प्रकार से डायरेक्टली सबको अरेस्ट करना वो एकदम जस्टिफाइड। उसमें सेक्शन 41 का नोटिस देते हैं, उनसे पूछते कि आप कौन हैं, क्या है क्या नहीं, क्योंकि बस के अंदर ड्राइवर भी थे, कंडक्टर भी थे, कुछ उनके फ्रेंड्स भी थे, रिलेटिव्स भी थे, तो डायरेक्टली सबको उठा के अरेस्ट करना ठीक नहीं होता है। बिकॉज आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उनसे पूछिए, आपको लगता है कि एक्यूज हैं तो आप गिरफ्तार करिए। सबको इस तरीके से गिरफ्तार करना थोड़ा सा वीकनेस हो जाती है। इस तरीके के चार्जेस इनमें लगाए गए थे और किन ग्राउंड्स को कंसिडर करके कोर्ट ने जो है बेल इनको दी है? सर ऐसा है कि बेसिकली जो हमारे यहाँ पे सिस्टम चला आ रहा है कि साहब पकड़ में आ गए और उनको बेल नहीं मिली चाहिए, बेल मिलनी चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि बेल इज़ अ राइट, राइट, एंड वेदर इट इज़ अ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, तो ट्रायल के दौरान डिसाइड होता है कि वो एक्यूज है कि नहीं है। तो 22-23 दिन रैली है, उसमें से कुछ बेगुनाह लोग भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, ट्रायल में डिसाइड हो जाएगा। अगर लगेगा कि एक्यूज है तो जेल जाएंगे और जिन जो बेगुनाह हैं वो बाहर आने चाहिए, वो क्यों अंदर रहेंगे।